Hey guys, how are you? I am from Radical Tech Art Solution Private Limited and today we are going to discuss about temperature controller, PID on off controller. So, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे 48x96 का PID on off controller है और यहाँ पे जो है वो डायग्राम दिया हुआ है और पीछे हमने यहाँ पे कनेक्शन किए हुए हैं. सो गाइज, सबसे पहले हम इसके इनपुट के बारे में बात करते हैं. तो इसका इनपुट यूनिवर्सल इनपुट है जिसमें आप PT100 EJKTBRSN 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V DC और 0 to 10 V DC आप दे सकते हैं. इसका जो भी आउटपुट है वो आपको 1 रिले और SSR में मिलेगा और जो इसकी डिस्प्ले है वो ड्यूअल लाइन 4 डिजिटल डिस्प्ले मिलेगी. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्यूअल लाइन डिस्प्ले है जिसमें ये है जो प्रोग्राम वैल्यू है और ये है जो सेट वैल्यू आपको मिलेगी. यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑन साइड कैलिब्रेशन भी मिलेगा और हाई मेजरिंग एक्यूरेसी है, 0 to 0.2% फुल स्पान एक्यूरेसी आपको मिलेगी. वाइड रेंज पावर सप्लाई है, 85 to 265 V AC और जो इसका सर्टिफिकेशन है वो आपको सी सर्टिफिकेशन मिलेगा. और जो भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख रही है उसमें आप सेंटीग्रेड है, फेरेनहाइट सिलेक्टेबल है, आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. सो गाइज, अब हम इसका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे सेट वैल्यू है वो हमने यहाँ पे 40 रखी हुई है और जो हमारी यहाँ पे करंट वैल्यू है वो अराउंड 31 है और ये जो भी है वो रिले का सेट वैल्यू है और ये अलार्म का जो भी सेट वैल्यू है वो 45 पर रखा हुआ है. सो गाइज, अब हम ब्लोअर की हेल्प से देखेंगे कि रिले आउटपुट होता है या नहीं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही 45 पहुंचा है अलार्म 1 शुरू हो चुका है और 40 के अप जाने पर यहाँ पे रिले 1 भी शुरू हो चुकी है. सो गाइज, ये था हमारा आज का PID ऑन ऑफ कंट्रोलर और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और काइंडली शेयर आवर चैनल, शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच.